हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। पहला है ITC और दूसरा है डीमार्ट। दोस्तों, डिटेल में इन दोनों स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि एकदम हिंदी लैंग्वेज में है, जो कि आपको इजीली समझ में आती है, साथ ही में और इस कोर्स में आप सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सबसे पहले बेसिक सिखाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से देखा जाता है किसी भी स्टॉक का। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। तो ये सभी चीज सीखने के लिए दोस्तों आपने ये करना है कि बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए हुए हैं, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा। आप कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना फ्री होता है और जीरोधा में मात्र 200 रुपए लगते हैं। तो कहीं से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हो जाता है दोस्तों, ध्यान रहे, अकाउंट ओपन होने के बाद ही मुझे मैसेज करें, उसके पहले ना करें, तो ही आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो मुझे इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको कोर्स की डिटेल दे दूंगा। दोस्तों, इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में चलिए अब चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले ITC के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ITC के प्राइस एक्शन के ऊपर। आज के दिन जो है ITC तकरीबन 205 रुपए में क्लोज हुआ, 211 रुपए में दोस्तों इसने ओपनिंग ली और वही इसका हाई भी था। और दोस्तों लो ये आया था तकरीबन 204.5 तक और लास्ट में जो है इसने क्लोजिंग दी है 205.15 में। वैसे दोस्तों, अगर बात करें हम ITC स्टॉक की तो ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये क्यों डाउन गया वो हमें समझना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तकरीबन 54% यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि इससे बेहतर FMCG सेक्टर में हमें कंपनी नहीं मिल सकती, वो भी इस प्राइस पर। अभी नीचे क्यों गया ये स्टॉक, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक न्यूज आई और वहां पर ये लिखा हुआ है कि ITC डिप 3% ऑन प्रॉफिट बुकिंग एज गवर्नमेंट ड्राफ्ट लॉ टू रेज लीगल स्मोकिंग एज। अभी एक एज डिसाइड कर दी गई है, एक्चुअली में एक लॉ बना दिया गया है जिसे अभी जस्ट ड्राफ्ट किया गया है, उसमें जो है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट छुपा हुआ है ITC के लिए। अभी ITC हम सभी जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो जो सिगरेट्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन सब में इन्वॉल्व है। और भले ही दोस्तों ये कितनी भी बुरी हैबिट हो, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में इसे देखें तो ये काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि लोग दोस्तों कभी भी स्मोकिंग करना छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही कम लोग छोड़ पाते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और उस चक्कर में इनका जो धंधा है बहुत अच्छा चलता है। इनका धंधा अच्छा चलेगा तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में इनके शेयर की वैल्यू भी अच्छी रहेगी। यही रीजन है कि ये स्टॉक इतना ज्यादा डिमांड में रहता है। बट यस, बहुत ही स्लो चलता है ये स्टॉक। इसके पीछे का रीजन क्या है? हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। बट दोस्तों, अभी की बात अगर हम करें तो पहले जो इसकी एज थी वो 18 साल की थी। यस, इसे जो है अब अलाउ कर दिया गया है 21, मतलब 21 साल के ऊपर के जितने भी एडल्ट होंगे उनको ही अभी जो स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट होंगे उनको सेल कर सकते हैं, सिगरेट वगैरह जो भी है या फिर जो भी तम्बाकू वगैरह जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उन सभी को ही दोस्तों ये सेल कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगाई गई है, राइट, जिससे इनके बिजनेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और इसीलिए ही ये स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा डाउन आप बोल सकते हो गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ दोस्तों, देखिए, AC सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स विच वर डाउन टू लिटिल लेस देन 1% 2:21 PM तक का इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी प्राइस एक्सचेंज से दिखाया कि तकरीबन आप बोल सकते हो कि ये 6 पॉइंट तकरीबन डाउन। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और भी हाईलाइट करना चाहता हूँ और वो ये कि इससे इस कंपनी की फंडामेंटल्स में कोई भी असर नहीं पड़ने वाली है। ये कंपनी आप सभी जानते हो कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बड़े बड़े एनालिस्ट भी इसे रिकमेंड करते हैं बाय करने के लिए। और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि अगर मैं टिकट टाइप के ऊपर जाऊंगा और टिकट टाइप के ऊपर जाने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सारी चीजें आपको पॉजिटिव नजर आएंगी। क्या 36 एनालिसिस्ट ने इसे रिकमेंड किया है जिसमें से 83% ये बोल रहे हैं कि इसे बाय कर लो। अभी की डेट में ये 205 के रेंज पर चल रहा है,
आने वाले टाइम पर, मतलब आने वाले एक साल के बाद जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन ये 365 तक जाएगा, और लोअर साइड भी क्या बोला गया है, मात्र 191, और उसके पास ही तो ये स्टॉक है। आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, एकदम लोअर साइड में स्टॉक अवेलेबल है बाय करने के लिए। और वैसे भी किसी भी स्टॉक की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन हो, मतलब आप ये समझ लो कि करंट प्राइस जो है उसका एकदम परफेक्ट है बाइंग के लिए, राइट? आप सभी इसको समझते होंगे। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, एफडी से अच्छा रिजल्ट भी है, एंट्री पॉइंट करने के लिए एकदम राइट टाइम है, और कोई भी नो फ्लैग नहीं है, मतलब कुछ भी यहाँ पर जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, प्लेज होता है कंपनी में या कुछ भी जो छोटे मोटे लीगल इश्यूज होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस स्टॉक की तरफ। और दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर इस आर्टिकल को कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। एक चीज जो और यहाँ पर दी हुई है वो ये, इनका ऐसा मानना है कि जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर आएगा अभी, वहां पर अभी बहुत ही अच्छी एक गेन मिल सकती है। रीजन हम सभी को पता है दोस्तों, ये तब ये टाइम गया है पेंडेमिक का, इसमें कहीं ना कहीं जो पान की टपरीज होती थी, जो पान जहाँ पर सिगरेट पान मिलते हैं वो सेंटर होते थे, वो बंद थे, राइट? अगर आपने इस चीज को फोकस किया हो, अभी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, तो इनका ऐसा मानना है कि आने वाला जो क्वार्टर है वहां पर पूरी तरीके से ये ओपन हो जाएगा, और हमको और इनका ऐसा मानना है कि ये स्ट्रांग परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है अगले क्वार्टर में, बट ऑल्दो इज अ लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, नो डाउट। दोस्तों आपका क्या मानना है, आप भी जरूर मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ITC के बाद में दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, और उसका नाम है डीमार्ट। दोस्तों डीमार्ट का जो खबर आई है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एवेन्यू सुपरमार्ट मार्केट कैप क्रॉस 2 trillion स्टॉक जूम्स 49% इन 3 months। तो दोस्तों अभी से अगर मैं खुद भी बात करूं 3 महीने पहले की, तो ये स्टॉक अभी के लेवल से बहुत नीचे था। अगर मैं इसके आपको चार्ट पर लेकर जाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तकरीबन अगर मैं बात करूं इस लेवल की, ठीक है, तकरीबन 2517 का लेवल। अभी आप यहां से दिसंबर 3 की बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, मतलब तकरीबन फरवरी में भी जाओगे, तो ये इसी लेवल पर था। सडन जो ये ब्रेकआउट आया है ना, ये वाला जो ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट के आने के बाद पे इसने बहुत एक बड़ी अपसाइड दिखाई, और तकरीबन आप बोल सकते हो कि अभी की डेट में ये स्टॉक अब 3099 तक भी टच करके आया था। इतना ज्यादा दोस्तों इसने ग्रोथ दिखाया है कि उस चीज के पीछे अभी जो इसका मार्केट कैप है वो 2 trillion का क्रॉस कर चुका है, और ये जस्ट अभी लास्ट 3 month में हुआ है। तकरीबन 49% इंक्रीज हुआ है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, शेयर्स ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट विच रन्स अ डीमार्ट चेन ऑफ स्टोर्स वर ट्रेडिंग हायर फॉर द 6th straight day, लगातार 6 दिनों से अप है, और 3.3% तकरीबन आप बोल सकते हो 3094 जो है वो BSE में ऑन वेडनेसडे इसने टच किया, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। दोस्तों ये ऑल टाइम हाई पर है, 16% का अपसाइड है यहाँ पर, 2 trillion का इसने मार्केट कैप जो है वो क्रॉस कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डीमार्ट आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे जनवरी 9 टू कंसीडर द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020। तो इन्होंने ये डेट जो है वो डिसाइड की है क्वार्टर 3 के रिजल्ट की। ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द पास्ट 3 months द क्वार्टर हैज जूम 49% अगेंस्ट द 22% रैली इन द BSE सेंसेक्स। और जब दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया था जुलाई से सितंबर क्वार्टर मंथ का रिजल्ट, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है बताया कि मंथ और मंथ सेल्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, और जुलाई से बेटर अगस्त रहा ऐसा उन्होंने कहा, और अगस्त से बेटर जो है दोस्तों उसका अगला मंथ रहा, मतलब मंथ ऑन मंथ जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, इस तरह की दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बात कही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीमार्ट की, तो डीमार्ट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इतने ऊपरी लेवल पर आ चुका है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा भी डर लगता है, और इसीलिए मेरी सलाह दोस्तों यहाँ पर यही रही कि आप हो सके तो थोड़ा सा वेट जरूर करें अभी फ्रेश बाइंग से पहले। ऑल्दो अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है
एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, बोलते हैं ना कि एक जो परफेक्ट हीरे होते हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये जो कुछ स्टॉक्स होते हैं, आईआरसीटीसी हो गया या फिर ये हो गया, इन स्टॉक को आप संभाल के रख सकते हैं अपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, नो डाउट। बट यस, इफ अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इसके अगले साल का भी हम अगर फोरकास्टिंग भी देखें तो जितने भी एनालिस्ट हैं, यहाँ पर 24 एनालिस्ट ने अपनी राय दी है, जिसमें से मात्र 38% ही बोल रहे हैं कि अभी बाय कीजिए, और उनका मानना है कि 31 तो 38 का हाई लेवल है, और ये ऑलरेडी अभी तकरीबन तकरीबन 31 को टच किया था इसने, तो हायर लेवल इसने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिखा दिए हैं, और थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। और अगर आप देखें भी तो आज 76.8 डाउन भी गया था, राइट। मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, तकरीबन तकरीबन 26-2700 के लेवल पर आने देना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो है आप एक पोजीशन बनाने की। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो इन दोनों स्टॉक के बारे में, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी सोच मुझसे मिलती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।